हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट। हमें चेक करना है कि गिवन नंबर रेशनल है या नहीं। फर्स्ट नंबर 2 + √2 होल स्क्वायर, तो चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इट इज 6 + √2 एंड दिस इज इरेशनल बिकॉज ऑफ √2। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इट इज एन इरेशनल नंबर। means given number 2 + √2 होल स्क्वायर is an irrational number. Now come to the second, 3 - √3 होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। दैट इज a² + b² - 2ab। थर्ड पार्ट, दिस इज a + b a - b, और ये आपने 8th क्लास में स्टडी किया था, a + b a - b = a² - b² सो दिस इज इक्वल टू 5² - √5² 20 एंड दिस इज अ रेशनल नंबर। इट मीन्स दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट, √3 - √2 होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा a² + b² - 2ab। क्लियरली इट इज एन इरेशनल नंबर √6 की वजह से। Therefore, it is an irrational number. Next part, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। it is a rational number. This is equal to 7/36 × 2, 7/72. It is also a rational number. Question number 2, find the squares of the following. First part में हमें square find out करना है 3√5/5 का। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 और 5 का 25। दिस इज इक्वल टू 9/5। सेकेंड पार्ट, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी 5 + √6। दिस इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे a² + b² - 2ab। (9 - 4√5). फोर्थ पार्ट, इसको ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। (2 का स्क्वायर 4 एंड स्क्वायर ऑफ √5 = 5।
29 प्लस 12 रूट 5। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वी कैन नॉट एड अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4 इज 2। लेफ्ट हैंड साइड ली है जस्ट हमने। इज इक्वल टू 6 मीन्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड पार्ट, 3 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 7। इसमें आप माइनस करेंगे, अंडर रूट 7 आप कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट साइड में। दिस विल बिकम 3 माइनस 2 दैट इज 1। इट मीन्स अंडर रूट 7। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 अपॉन 7 इज एन इरेशनल नंबर। 2 अपॉन 7 इट मीन्स इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है और 2 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो रेशनल नंबर्स की कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर और क्वेश्चन में इरेशनल मेंशन है। इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 5 अपॉन 11 इज रेशनल नंबर। इट इज ट्रू। p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है p और q में। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इट इज ट्रू, क्योंकि रियल नंबर्स को ही टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इट मीन्स ऑल इरेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल। रियल को ही कैटेगराइज किया गया है। तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं और सभी इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। All real numbers are rational. It is false. आप देखिए, real numbers जो है वो real number rational भी हो सकता है और irrational भी। सारे के सारे real numbers rational हो ऐसा जरूरी नहीं है। It means it is a false statement. Next, some real numbers are rational. It is true. भाई, real numbers में से कुछ number rational है, कुछ irrational है। Some are rational and some are irrational. क्वेश्चन नंबर 4, एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है। माइनस 6, माइनस 5 एंड 3 बाय 4, माइनस अंडर रूट 4, माइनस 3 बाय 5, माइनस 3 बाय 8, 0, 4 बाय 5, 1, 1, 2 बाय 3, अंडर रूट 8, 3.01, पाई एंड 8.47। फ्रॉम द गिवन सेट वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट पार्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो चलिए इसमें से हम चूज करते हैं रेशनल नंबर्स को जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हुए हों और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। माइनस 6 इट इज रेशनल बिकॉज वी कैन राइट इट माइनस 6 बाय 1। माइनस 5 3 बाय 4 इट इज ऑल्सो रेशनल। आप इसको भी लिख सकते हैं 5 4 जार 20, 23 बाय 4। Now look at third number, minus under root 4. Under root 4 की exact value हमें मालूम है, that is 2. It means ये वाला number जो है ये just minus 2 है और and it is a rational number. आप under root देखकर के confused मत होइएगा कि ये irrational है। ये irrational होता अगर square root के अंदर एक ऐसा number होता जिसकी exact value हमें पता ना होती। नेक्स्ट, माइनस 3 बाई 5 इट इज ऑल्सो रेशनल। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है क्लियरली। माइनस 3 बाई 8 इट इज ऑल्सो रेशनल। 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 अपॉन 1। 4 बाई 5 भी रेशनल है। 1 2 बाई 3 भी रेशनल है। बट अंडर रूट 8 इज इरेशनल क्योंकि अंडर रूट 8 की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 3.01 भी रेशनल है। आप इसको फ्रैक्शन p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q। पाई इज इरेशनल। 8.47 रेशनल है। इसको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर ऑफ रेशनल नंबर्स फ्रॉम द गिवन सेट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर्स में तो मैंने आपको सिखाया ही ये है कि विच अ नंबर विच इज नॉट रेशनल इज इरेशनल। तो देख लीजिए, आपने रेशनल नंबर्स, तो ये कैटेगरी आपने इसमें से चूज कर ही लिए, तो रिमेनिंग नंबर्स आर इरेशनल, इट मींस अंडर रूट 8 एंड पाई। थर्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, अब हमें इंटीजर्स को चूज करना है। तो देखिए, इंटीजर्स -6 इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, इट मींस ये भी इंटीजर है। इंटीजर मींस पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। 0 इट इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर, दीज आर इंटीजर्स। -6, -√4, 0 एंड 1। इन फोर्थ पार्ट सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में से ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेलेक्ट होंगे। अब देखिए, नॉन नेगेटिव कौन से हैं, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, 0 एंड 1। बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर है, वी हैव टू सेलेक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन अगर हमसे कहा जाता कि सेलेक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स तो केवल 1 होता इसका आंसर, बट नॉन नेगेटिव है इसलिए 0 को भी हमने इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर आपके साथ शेयर किया था, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2√3। इसके लिए हमें रिप्रेजेंट करना होगा सबसे पहले √3 को, और √3 के लिए हमें रिप्रेजेंट करना होगा √2 को। सबसे पहले हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे √2। √2 के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस भी इरेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, सिंपली वो √2, √3, √5 इस फॉर्म में गिवन है, सम या डिफरेंस की फॉर्म में नहीं है। तो आप सिंपली उसका स्क्वायर कर लीजिए, √2 का स्क्वायर होगा 2, और उसे आप सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स में ब्रेक कीजिए, दैट इज 1 + 1। नाउ कंपेयर दिस विद पाइथागोरस स्टेटमेंट, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 है, बेस का स्क्वायर 1 है, परपेंडिकुलर का 1 है, इट मींस हाइपोटेनियस हो जाएगा √2 क्योंकि उसका स्क्वायर 2 है, बेस हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर भी हो जाएगा 1। इट मींस अगर हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका बेस 1 यूनिट हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, देन हाइपोटेनियस ऑफ दैट विल बी √2। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए, यहां 0 से ये दिस इज पॉइंट ओ, इससे हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस 1 यूनिट ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो ये हमने बेस ड्रॉ कर दिया है 1 यूनिट का। अब पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम इस पॉइंट पर, सपोज दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपस और विद द हेल्प ऑफ डी, आप बना लेंगे, और इसमें से आप कट करेंगे परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट, मींस जितना ये है उतना ही आप इसमें से कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, मीट ओ एंड पी, दिस इज ओपी इज √2, बट √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो ओपी के बराबर ओपी रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे टेकिंग ओ एज सेंटर। ओ एम दैट इज ऑल्सो इक्वल टू √2, मीन्स एम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, जस्ट इसको सर्कल कर देते हैं, दिस इज अंडर दिस इज 2। सिमिलरली एम पॉइंट रिप्रेजेंट्स √2।
अब देखिए अंडर रूट थ्री को हमें रिप्रेजेंट करना है। ये वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में शेयर किया था, मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूं। अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, दैट इज थ्री, और इसको हम ब्रेक करेंगे टू प्लस वन। नाउ हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स हाइपोटेनियस विल बी अंडर रूट थ्री इफ बेस विल बी, बेस का स्क्वायर टू है, इट मीन्स बेस अंडर रूट टू हुआ और परपेंडिकुलर वन। अब हमें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका बेस अंडर रूट टू हो और परपेंडिकुलर वन हो। तो देखिए ये रहा बेस ओ एम, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट टू, तो इसको हम बेस कंसीडर कर रहे हैं और वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो एम पर हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और अब हम इसमें से वन यूनिट कट करेंगे। ये देखिए मैंने वन यूनिट मेजर किया है। नाउ पॉइंट क्यू, एम क्यू इज परपेंडिकुलर इक्वल टू वन यूनिट, तो चलिए ओ क्यू को मीट करवा दीजिए। ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। अब हमें नंबर लाइन पर अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो हम ओ क्यू को रेडियस कंसीडर करके और ओ को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस पॉइंट एन विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट थ्री ऑन नंबर लाइन बिकॉज ओ एन इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन, वी हैव टू शो टू अंडर रूट थ्री, डबल ऑफ अंडर रूट थ्री। तो ठीक है, अंडर रूट थ्री एक वन टाइम ओ एन है, आप ओ एन को मेजर करिए और आगे ओ एन के इक्वल एक आर्क और लगा दीजिए। दिस पॉइंट ओ एन इज इक्वल टू एन आर, ओ एन इज अंडर रूट थ्री, देन एन आर इज अंडर रूट थ्री, इट मीन्स ओ आर इज टू अंडर रूट थ्री। दिस इज द पॉइंट टू अंडर रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। स्टेप्स आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की तरह मेंशन करने हैं। चलिए सेकेंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, टू अंडर रूट टू। ये भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही ड्रॉ करेंगे, अंडर रूट टू ड्रॉ करेंगे और फिर उसके इक्वल मार्क करके टू अंडर रूट टू ड्रॉ कर देंगे। अंडर रूट टू के लिए हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों को वन वन कंसीडर करके राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए से लेकर दिस पॉइंट, पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट ए तक वन यूनिट है। अब ए पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए और इसमें से वन यूनिट हम कट कर लेंगे। दिस इज अंडर रूट टू। नाउ मेजर ओपी, और ओपी के बराबर ही आप आगे कट कर लीजिए। क्यू विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू अंडर रूट टू ऑन नंबर लाइन। थ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री तक हम मेजर कर रहे हैं, जीरो से लेकर थ्री तक, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इसके आगे हमें एड ऑन करना है अंडर रूट टू। तो चलिए यहां से आगे अंडर रूट टू हम ड्रॉ करते हैं जैसे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ड्रॉ करते आ रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस पॉइंट पर, नाउ दिस डिस्टेंस इज थ्री एंड दिस इज अंडर रूट टू, इट मीन्स दिस पॉइंट इज द विल रिप्रेजेंट थ्री प्लस अंडर रूट टू।
नेक्स्ट इज 3 माइनस अंडर रूट 2. नाउ सिमिलर टू प्रीवियस पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डिस्टेंस 3 अप टू दिस फ्रॉम 0 टू दिस. अब हमें अंडर रूट 2 इसमें से माइनस करना है, मींस इधर लेफ्ट साइड में मूव करना है. तो हम लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और फिर हम इस तरीके से देखेंगे कि अंडर रूट 2 कैसे माइनस करना है. मींस माइनस करने के लिए इससे बिफोर जो नंबर है 2, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मेकिंग 90° एंगल. और अब इसमें से 1 यूनिट के इक्वल परपेंडिकुलर कट कर लेंगे. 2 रिप्रेजेंट अंडर रूट 2. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज अंडर रूट 2 और इसको हमें 3 में से माइनस करना है. ये डिस्टेंस है 3 एंड दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट 2, तो हमें माइनस करना है. इट मींस ओ से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 3 माइनस अंडर रूट 2. पॉइंट पी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 2. नेक्स्ट इज 2 अंडर रूट 5. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम उसको डबल कर देंगे. अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका स्क्वायर 5, इट विल बी 4 प्लस 1. दिस इज बेस स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस. मींस हाइपोटेनियस अंडर रूट 5 होगा अगर उसका बेस 2 होगा. स्क्वायर 4 है, इट मींस बेस इज 2 एंड परपेंडिकुलर 1. तो एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है जिसका बेस 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो. फॉर 2 यूनिट दिस विल बी बेस. इस पॉइंट ओ से लेकर के इस पॉइंट ए तक का डिस्टेंस 2 यूनिट होगा. अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90° का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें से 1 यूनिट हमें कट करना है. 1 यूनिट अब देखिए ओ ए बेस है और ये पॉइंट बी है अगर, तो ए बी परपेंडिकुलर है. मींस राइट एंगल ट्राइंगल विल बी दिस ओ ए बी एंड द वैल्यू ऑफ ओ बी विल बी अंडर रूट 5. अब इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे. दिस इज पॉइंट पी, देन दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5. अब देखिए 2 अंडर रूट 5 हमें ड्रॉ करना है. तो 1 अंडर रूट 5 हो गया, इसी के इक्वल आप आगे मेजर कर लीजिए. सपोज दिस इज पॉइंट क्यू, देन पी क्यू इज ऑल्सो अंडर रूट 5. इट मीन्स दिस इज द पॉइंट 2 अंडर रूट 5. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ और एक और उस कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने आपको इरेशनल नंबर से रिलेटेड स्किप कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में. इरेशनैलिटी ऑफ प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स. सपोज वी हैव टू प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 5, आपको मालूम है, यू नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, बट हाउ यू कैन प्रूव, शेयर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.